दोस्तों शाओमी ने रिलीज़ कर दिया अपने रेडमी नोट 5 प्रो के लिए एक नया स्टेबल वर्सन MIUI 9 की, जो है MIUI 9.6.3.0। तो जैसा कि आप अभी मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो मेरी डिवाइस है रेडमी नोट 5 प्रो, वो अभी MIUI 9.5 स्टेबल 9.5.19.0 पे है। तो जब हम लोग इसे सिस्टम अपडेट में चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कोई भी सिस्टम अपडेट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अभी तक ये ऑफिशियली रिलीज़ नहीं हुई है। इसकी जो रिकवरी फाइल है, इसकी जो जी फाइल है, मैं उसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर अपने डिवाइस को अपडेट कर लेना। तो हम लोग अपने डिवाइस को कैसे अपडेट करेंगे, तो हम लोग सेम इसी मेथड से आएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे अपने डिवाइस में, अबाउट फोन, सिस्टम अपडेट में जाने के बाद 3 डॉट को चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद मैंने ऑलरेडी उस फाइल को अपने डिवाइस में डाउनलोड करके रख लिया है। अब हम लोग यहाँ से चूज़ अपडेट पैकेज करेंगे। चूज़ अपडेट पैकेज करने के बाद जहाँ पे हम लोगों ने उस फाइल को रखा था, हम लोगों ने उस फाइल को चूज़ करेंगे। तो मैंने फाइल मैनेजर में रखा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरी फाइल है रेडमी 5 प्रो की, जो 9.6.3.0 वाली जो फाइल है, अब हम उसे सेलेक्ट करके उसे ओके करेंगे। तो मैंने इसे सेलेक्ट कर दिया है, मैं इसे ओके करता हूँ। तो ओके करने के बाद दोस्तों ये गेटिंग इनको होगा, फिर इसमें डिक्रिप्टिंग होगा। डिक्रिप्ट होने के बाद फ़ोन जो हम लोग का है MIUI 9.5.19.0 से MIUI 9.6.3.0 पर अपडेट हो जाएगा, जो एक स्टेबल वर्सन है। तो जब ये अपडेट हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा इसमें क्या क्या नए फीचर्स आए हैं 9.5.19.0 के मुकाबले में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हम लोग का है वो 100% डिक्रिप्ट हो गया है। अब हम लोग यहाँ से रिबूट एंड अपडेट करेंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग अभी MIUI 10 जो चल रहा है, जब हम लोग MIUI 10 को अपडेट करते हैं MIUI 9 से, तो उसमें हम लोग क्या एरर आता है, हम लोग को उसमें बोलता है इरेज एंड अपडेट करने के लिए। तो ऐसा इसलिए बोलता है कि उसमें हम लोगों का पूरा जो पूरी सॉफ्टवेयर है, जो पूरी स्क्रीन है, वो चेंज हो जाती है MIUI 9 से MIUI 10 पर जाती है, इसलिए उसमें जो होता है वो चेंज होता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, हम लोग MIUI 9 से MIUI 9 पर ही हैं, इसलिए हम लोग का कोई भी इसमें फॉर्मेट नहीं होगा, कोई भी डाटा लॉस नहीं होगा। लेकिन सेफ्टी के लिए, सेफ्टी इज़ नंबर 1 प्रायोरिटी, अब अपने सभी डाटा का, इंपॉर्टेंट डाटा का बैकअप बना के रखें सेफ्टी के लिए। MIUI 9 से MIUI 9 पर अपडेट करेंगे तो हम लोग कोई भी डाटा लॉस नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अपडेटिंग स्टार्ट हो चुका है, और जब एक बार अपडेट हो जाएगा तो फोन हम लोग का रिबूट हो जाएगा MIUI 9.6.3.0 पे। उसके बाद से मैं दिखाऊंगा इसमें क्या क्या कुछ क्या चेंज लोग आया है और क्या इसके फीचर्स हैं, कैमरा में कुछ इम्प्रूवमेंट आया है या नहीं आया है, जूम पोर्ट्रेट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सब मैं आपको दिखाऊंगा जब एक बार ये अपडेट हो जाए। तो जब अपडेट हो जाएगा तो उसके बाद मैं वापस आता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि फ़ोन जो हम लोग का है वो अपडेट हो चुका है। अब अपडेट होने के बाद फ़ोन हम लोग MIUI 9.6.3.0 पे बूट हो जाएगा, और जब ये बूट हो जाएगा तो मैं आपको सेटिंग्स में जाकर दिखा दूंगा इसके इनिशियल सेटअप करने के बाद तो क्या क्या चेंजेस आया है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि फ़ोन जो हम लोग का है बूट हो गया सक्सेसफुली। तो मैं आपको एक बार सेटिंग में जाकर दिखा देता हूँ अपने फ़ोन की। तो अबाउट फोन में आप देख सकते हैं कि फ़ोन जो मेरा है MIUI ग्लोबल 9.6 स्टेबल पर अपडेट हो चुका है, जिसका वर्जन है 9.6.3.0। तो हम लोगों ने अपने डिवाइस को सक्सेसफुली अपडेट कर लिया है, लेकिन अभी दोस्तों ये अभी तक ऑफिशियली रिलीज नहीं हुआ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने डिवाइस में अपने रेडमी नोट 5 प्रो को अपडेट करना, तो मैं इसकी डाउनलोड लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाकर उसे विजिट कर लेना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। तो एक बार मैं आपको कैमरा में दिखा देता हूँ क्या कैमरा में कुछ इसमें चेंजेस आए या नहीं आए हैं। तो जैसे कि आप पोर्ट्रेट में देख सकते हैं कि तो पोर्ट्रेट तो काम कर रहा है, लेकिन अभी भी इसमें जूम पोर्ट्रेट अभी भी अवेलेबल नहीं है जूम पोर्ट्रेट। वीडियो में देख लेते हैं कि हम लोग का 4K वीडियो रिकॉर्डिंग आया है या नहीं आया है, तो मैं एक बार वीडियो में दिखा देता हूँ। तो जी नहीं दोस्तों, अभी भी इसमें कोई भी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं आया है, अभी भी फुल HD 1080p पे ही यह अवेलेबल है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी तक ये ऑफिशियली रिलीज नहीं हुआ है, व्हाट्सएप में क्या क्या नए फीचर्स है यहाँ पे दिखाया नहीं रहा है, क्योंकि ये ऑफिशियली रिलीज नहीं हुआ है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो पोर्ट्रेट मोड है, जो डिफेक्ट जो है वो अच्छी तरह काम कर रहा है। आप देख सकते हैं मेरे जो पाम के पीछे में जितने भी जो भी पोर्शन है वो सब अच्छी तरह से ब्लर हो चुका है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे एजिंग में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो कैमरा में इसमें पोर्ट्रेट में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, एज में इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन अभी भी इसमें कोई जूम पोर्ट्रेट नहीं है, जो इसका बेस्ट फीचर समझ लगता था।
अभी इसमें नहीं है, अब 4K वीडियो रिकॉर्डिंग इसमें नहीं है। अभी मैं तो आने वाले वीडियो में आपको दिखाऊंगा।